हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोमैटिक रुखसार। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साबूदाना वड़ा की रेसिपी। इसे कई लोग सागो भी कहते हैं। साथ में हम सर्व करेंगे कुकुम्बर की चटनी यानी ककड़ी की चटनी हमारे तरीके से। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं हमारी इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी। हमने लिया है ये साबूदाना, इसे ओवरनाइट हमने सोक कर रखा था। ये करीबन 250 ग्राम्स है। उसके बाद हमने लिए है बॉइल्ड पोटैटोस दो। उसके बाद हमारे पास है ग्राउंडनट का क्रश, ये हमने रोस्ट कर शेंगदाने को रोस्ट कर बिना पानी के पीसा है। हमने लिया है कुकुम्बर, ये हमें चटनी बनाने के लिए काम में आने वाला है। उसके बाद हमारे पास है जीरा, यह है करीबन हाफ टी स्पून। फिर हमने लिया है शुगर हाफ टी स्पून। हमारे पास है 1 फाइनली चॉप ग्रीन चिली हरी मिर्च। उसके बाद है हमारे पास 3 टी स्पून ऑफ सॉल्ट। 4 टेबल स्पून ऑफ दही लिया है हमने, यह हमारी चटनी के काम में आएगा। उसके बाद हमारे पास है कोरिएंडर यानी धनिया, और फिर हमारे पास है ग्रीन चिली का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट है ये, इसमें भी हमने थोड़ा सा धनिया डालकर इसे पीसा है। सबसे पहले हम अपने वड़े की प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए हम सारा साबूदाना एक कंटेनर में एम्प्टी कर देंगे। हमने बॉइल्ड पोटैटोस को इस तरीके से खिसकर लिया है बारीक। अब हम इसे अपनी साबूदाने के साथ ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ये ग्राउंडनट का जो पाउडर हमने रेडी किया था उसे ऐड करेंगे। ये आपने साबूदाना के क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। थोड़ा सा ऐड कर पहले हम इसे मिक्स कर देखेंगे। हम इसमें और 2 से 3 स्पून्स ऐड करेंगे, टीस्पून्स, क्योंकि हमें ये कम लग रहा है। आप भी इसी तरीके से पहले मिक्स कर चेक कर ले, उसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं करीबन 1.5 टीस्पून ऑफ हरी मिर्च का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा हमने लेना है हाफ टी स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, जिसको हमने चॉप कर लिया है, एंड इन्हें अब हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो जीरा हमने डाला था उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एक वेरिएशन होगा ये, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। चटनी बनाने के लिए हमने दही को इस बोल में निकाल कर लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, और हमने इसे फेंटना है ताकि ये दही थोड़ा सा पतला भी हो जाए और उसमें शुगर हमारी मेल्ट भी हो जाए। इस तरीके से हमने इसे फास्ट फेंट लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, एंड ये जो हमने कुकुम्बर को क्रश कर लिया है इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ ये जो हमने चॉप कर रखा है ग्रीन चिली उसे ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वड़े के साथ जब आप ये ठंडी ठंडी चटनी इंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको इसका बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमारे तरीके से हमने चटनी बनाई है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से हमने इस बोल को प्रेस कर वड़े के शेप में कर देना है। इस तरीके से हमने सारे वड़ों को राउंड शेप में बनाया है। इसे थोड़ा सा थिक भी रखना है हमें, ज़्यादा भी हमें इसे चपटा या फिर पतला नहीं करना है, इसे थिक रखना है। पैन में ऑयल के हीट होते ही हम इसमें वड़े ड्रॉप कर देंगे।